उन्होंने सोचा कि वे अपने गंदे काम से मुझे दफना सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे मैं तो अभी शुरुआत कर रहा था। मैं लाल चंदन की तस्करी करके बड़ा आदमी बन गया, और जो मेरा है उसकी रक्षा के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। मेरे पास धन या शक्ति नहीं हो सकती है, कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे वे कभी नहीं छीन सकते। मेरे लोगों का प्यार, मेरा शिकार किया जा सकता है, लेकिन मैं कभी टूटूंगा नहीं। मैं जिस चीज पर विश्वास करता हूं उसके लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वे मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे हम सभी के भीतर जल रही विद्रोह की भावना को कभी नहीं मार सकते। प्रत्येक जीवन के लिए मेरे नाम पर 100 और लोग उठ खड़े होंगे। ये अंत नहीं, ये केवल शुरुआत है। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है। एक ऐसे व्यक्ति की गाथा जिसने शक्तिशाली को चुनौती देने और शक्तिहीन के लिए लड़ने का साहस किया। पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं सर। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की आने वाली मूवी पुष्पा 2 को लेकर आई है बहुत ही बड़ी अपडेट। पुष्पा 2 मूवी की रिलीज डेट को लेकर कई अफवाह सामने आया था कि ये मूवी इस बार भी पोस्टपोन होने वाला है, लेकिन मेकर्स ने काफी पहले ही कंफर्म करके बताया कि 6 दिसंबर को ही हम लोग इस मूवी को रिलीज करेंगे। लेकिन उसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा था कि इस बार भी पोस्टपोन होने की चांसेस है, लेकिन मेकर्स ने फहद फजल की बर्थडे पर उनकी एक पोस्टर रिलीज किया जहां फहद फजल एक हाथ पर कुल्हाड़ी और एक हाथ पर गन लेकर खड़े हैं। इसके साथ ही मूवी की रिलीज डेट को भी उन्होंने कंफर्म किया, यानी कि ऑफिशियली पुष्पा 2 इसी दिसंबर को ग्रैंड लेवल पर रिलीज होने जा रहा है। सुकुमार के डायरेक्शन पर बनने वाले फिल्म पुष्पा 2 को बहुत ही बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है, जहां लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा हुआ है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि मूवी की क्लाइमैक्स बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इसके साथ ही मेन विलन के रूप में इस बार हमें संजय दत्त पुष्पा 2 में नजर आ सकता है। वेल, पुष्पा 2 बहुत ही बड़ी सुपरहिट मूवी बनने जा रहा है। वैसे आप लोग कितने एक्साइटेड हो अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 मूवी को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।